नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शाह सतनाम जी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की एक और मेंबर जुड़ी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाएंगे कि इस फोर्स का क्या मकसद है, किसने ये फोर्स को तैयार किया है और क्या क्या कार्य ये लोग करते हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? पूजा इंसा। पूजा जी, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपके? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैम, आप इस फोर्स के साथ, शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के साथ, कब आपने ज्वाइन किया इस फोर्स को? मैम आज हो गए 17 साल हो गए जी। मैम, किसने ये स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव किसका? ये जो हमारे गुरुजी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं, उनकी प्रेरणा भी चलते हुए हमने ये ड्रेसेस, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ये ड्रेसेस लिए हमने। और आज जैसे ग्रीनेस का स्थापना दिवस है हमारा जो है, तो आज हमारे साथ 200-300 लोग हमारे साथ ये साथ संगत है, कुछ बच्चे टीनेजर हैं वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कि नए नए लोगों ने जी जी नए नए बिल्कुल न्यू अभी ज्वाइन करवाया उनको आज ही। तो मेरी खुद 2 बेटियां हैं तो वो भी टीनेजर हैं, उनको भी मैंने ये अपनी ये जो हमारे गुरुजी ने प्रेरित किया ये वाली ड्रेस हमने उनको भी डलवाई है, बच्चों को भी। मैम, इस फोर्स का मकसद क्या है, मतलब आप लोगों का मेन मोटिव क्या रहता है, क्या कार्य करते हैं आप लोग? ये कार्य जो हमारे गुरुजी ने 137 कार्य चलाए हैं मानवता भलाई कार्य के, उसमें ऐसे अजी जैसे हमारी ये निस्वार्थ हम करते हैं सेवा अपने गुरुजी के लिए, हमें इसमें कुछ नहीं, हमें कोई हम पे नहीं लेते, कुछ नहीं करते। जैसे कहीं भी कोई भी जैसे कहीं भूकंप आ गया या कोई भी हादसा हो गया या किसी को खून की ज़रूरत है, वो सब कुछ हमारी ये ग्रीनेस वेल फोर्स जो विंग के हम हैं सेवादार, हमारे सदस्य हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे भी हैं, सतगुरु की रहमत है जी, तो हम सब ये कार्य करते हैं जी हमारे गुरु जी की प्रेरणा पर। जैसे खून दान करना जीते जी, अपनी किडनी दान करना जी, आँखों का कैंप लगता है, और भी बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य हैं जो हम अपने गुरु जी की प्रेरणा पर चलते हुए करते हैं जी। मैम, आजकल देखते हैं कि कोई किसी को बाल तक नहीं देता, आप लोगों के अंदर ऐसी सोच कैसे आती है, मतलब इतना सोचना और इस फोर्स में ज्वाइन कर लेना और फिर ये आगे इस कार्यों को करना, ऐसी सोच आप लोगों के अंदर कैसे जी? हमारे गुरुजी है जो हमारे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं कि हमें प्रेरित करते हैं कि मानवता भलाई के कार्य करो। देखो इंसान खुद के लिए तो जीता है जी, खुद के लिए आज के समय में खुद के लिए खा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, लेकिन एक ये ग्रीन एस वेल फोर्स ऐसी विंग है कि जो हम दूसरों के लिए जीते हैं जी, दूसरों के लिए हम करते हैं कुछ भी, कोई भी कार्य होता है जी, दुख का सुख का जैसे भी कार्य, जैसे लड़कियों का विवाह करना, बहुत सारे कार्य हैं जो हम गुरु जी के प्रेरणा पर चलते हुए करते हैं। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा, देखा जाए 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है, वो सोसाइटी में उस तरीके से नहीं है, आपको क्या लगता है कैसे संत का समाज में ना रहना, एक समाज के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है सब? जी मैम, बहुत हो रहा है, जैसे नशे जूथ है, अब नशे की तरफ बहुत जा रही है, जैसे हमारे गुरु जी थे नशे के लिए बहुत प्रेरित करते थे, लेकिन जो नहीं इस चीज़ को मानते मैम, वो उनको लगता है कि गुरुजी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें पता है हमारे गुरुजी हमारे पास हैं, वो अपना मिशन है उनका, तो वो जल्दी से जल्दी, हम यही कहते हैं कि गुरुजी जल्दी से जल्दी यहाँ, सरकार को भी यही मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी आने चाहिए यहाँ पे। मैम, जो दूसरी तरफ संत जी की छवि है, जो उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो उनके बारे में जो बातें उठाई गई हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपको? मैम उसके बारे हमें फिलहाल तो कुछ नहीं कहना, ये ऐसा क्या है मैम, हमें ऐसा कुछ नहीं, हमारे गुरुजी जब पाक पवित्र हैं थे हमेशा के लिए रहेंगे, हमें इसके लिए कुछ नहीं, हमें इस चीज़ों के लिए कुछ नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं जी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये है असली सच सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का वडेरा सोचा सौदा का, आपको सीधी दिखा रहे हैं उन लोगों से बातचीत जो उस फोर्स के मेंबर हैं, जो सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने जो पब्लिक के लिए बनाई है, जो बिना किसी पैसे लिए, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती है, इनका कहना है कि लगातार इस फोर्स में और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं जो समाज हित के लिए कार्य करेंगे, और आज भी सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को जरूरत है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में संत जी को काफी लंबे समय से जानते हैं, खुद ये इस फोर्स से ही 17 सालों से ये लेडीज जुड़ी हुई हैं, जो आपके सामने आकर बयान दे रही हैं, आपके सामने आकर अपने फैक्ट्स रख रही हैं। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।